अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू HAGFX। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस कार्टून करेक्टर के अंदर कलर भरेंगे जिस तरह के इसके होते हैं, तो कोशिश करेंगे उसी तरह के कलर भरने। तो उसके पहले इस सब को हम ऐसे सिलेक्ट करके हम इधर एक कॉपी कर लेंगे इसकी। इसकी कॉपी करने के बाद हम ये अंदर से इसकी ये चीज़ें डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने इसको सारे को वेल्ड किया था। ये देखें, तो जितना बाहर वाला हिस्सा है कान रख लेते हैं बस, तो इतने को हमने सबको डिलीट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसको कंबाइन से तोड़ना है, कंट्रोल के कर देना है। जो हमने कंबाइन इसको किया था सबको, उसको तोड़ देना है। जब ये तोड़ दिया तो ये बाहर वाला बिल्कुल, अब ये सारा ब्लैक हो चुका है ना, तो इसको मैं ऐसे आउटलाइन लगाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये अलहदा है, ये अलहदा हो चुका है और वो अलहदा है। ठीक है, तो इसी तरह हम ऐसे ब्लैक में रख के अगर इसको काट भी दें, ऐसे कंट्रोल के कर लें, तो हम बाहर वाले को बिल्कुल उठा के ऐसे साइड पे करेंगे तो ये अंदर हमारे कलर फिलिंग अपने आप आ चुकी है सारी। इसमें अब हमने कलर ऐड करने हैं, उससे पहले हम इनमें भी कलर ऐड कर देते हैं। इनको भी वैसे ही कर लेंगे, अंदर वाले डिलीट कर देंगे और बाहर वाले को कंट्रोल के या ऊपर से ये कंबाइन ब्रेकअप आर्ट की कमांड आती है ये वाली, इसमें भी हम अंदर वाले को डिलीट कर देंगे, अंदर वाले को रख लेंगे, बाहर वाले को डिलीट कर देंगे इस तरह से। ये फ्रेंड्स, ये आ चुका है। इसको मैंने इसलिए रखा है, इससे हम इसका शेड बनाएंगे कि जैसे ये खड़ा हो तो कोई करेक्टर खड़ा हो तो उसका शेड बनता है। तो अब हम इसमें कलर भर लेते हैं। इसके फेस का कलर मैंने ये पिंटोन इसकी रखी है पहले से, तो इधर से इसको कर लेते हैं ऐड कलर्स को। ये कलर ऐड कर दिया। इसके कपड़ों का कलर रेड होता है, ये रेड कर दिया ये भी। और इसको हम फिर से यही स्किन का कलर दे देंगे इसके। ये हैंड्स को भी स्किन का कलर इस तरह से। इसको ऐसे कलर दे दिया। ये इसको हम ब्लू कलर दे देंगे, नेवी टाइप कलर होता है इसका। और इधर हम कर देंगे येलो। ये शूज़ का उसका कलर थोड़ा ब्लैक टाइप होता है, तो हमने ये कर दिया इसका कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कलर सारे ऐड हो चुके हैं। अब हम इन सब को पकड़ेंगे और ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करके हम इसको इससे ई सी कर देंगे, ई और सी हम कर देंगे। तो ये अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो आप इसे मैन्युअली पकड़ के, मैन्युअली इस कोने से जब आप पकड़ेंगे इसको, ये कोने से इसको पकड़ेंगे तो आप इसके ऊपर कोने पे बिल्कुल रख लें, तो ये अब हमारा कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड, ये नीचे हम इस सब कलर को हम कर लेंगे पेज डाउन। उसके नीचे से आंखें नज़र आ गईं, उस तरह वाइट कलर की आंखें हैं। आंखों में भी हम कलर कर लेते हैं। आंखों में भी कलर करने के लिए ऐसे ही हम इनको कॉपी कर लेंगे बाहर, और इनको भी ब्रेकअप आर्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ भी होता है शॉर्टकट। अंदर वाले को रख लेंगे, बाहर वाले को डिलीट कर देंगे। और इस पर हम आइस का कलर कर देंगे, ये कलर कर दिया। इसको पेज अप कर लेंगे पहले। इन दोनों को हम इसके सेंटर में ले आएंगे इस तरह से। अब एक हल्का सा इफ़ेक्ट लगा लेते हैं वाइट का, ये इतना सा इस तरह ऐसे, ताकि ज़रा हमारी आईज जो इसकी है वो ज़रा रियलिस्टिक लगे। तो ये लग गया, ये देखो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा कार्टून करेक्टर कंप्लीट। अब हम इस पे शेडो लगाएंगे। शेडो हम कौन सा लगाएंगे, ये ड्रॉप शेडो को हमने क्लिक किया इधर से शेडो टूल को। और अब हम इधर साइड पे आएंगे तो ये ऊपर इसकी ऑप्शंस है, पूरी लिस्ट है कि हम किस तरह का शेडो लगाना चाहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कैसा हमें शेडो पसंद है। ये ठीक है, टॉप लेफ्ट वाला, इस शेडो को हम लगा लेंगे।
इसको आप जितना अगर डार्क करना चाहें या लाइट करना चाहें वो आप खुद कर सकते हैं। इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी आप कर सकते हैं जिधर आप लेके जाना चाहें इसे, और थोड़ा लाइट कर लेते हैं हम इस तरह से, इतना लाइट कर लेते हैं हम। अब इस ये इसको इसके साथ कुछ कर्व है, जॉइंट है, तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हम इसको ब्रेक ड्रॉप शेडो कर देंगे और फिर इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको जब डिलीट किया तो इसे हम मैन्युअली इधर ले आएंगे इसके नीचे ऐसे, और पेज डाउन कर देंगे। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा एक कार्टून करेक्टर बनकर कंप्लीट रेडी है। इसमें जितनी भी वीडियोस लगी हैं, जितनी क्लासेस हुई हैं, उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अब हमारा एक कार्टून का करेक्टर कंप्लीट है बिल्कुल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।